अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करुति वाचालं पंकुं लंगयते गिरिं यत् कृपा तं हम वंदे श्री गुरु दीनतारिण परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। सो हम 8th चैप्टर पढ़ने हैं भगवद गीता का, कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू एंड सेम टू यू। थैंक यू। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पहले 9 श्लोकों का, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों में से कौन वॉलंटियर करेगा? सब लोग दो दो श्लोक पढ़ सकते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो कौन पहले दो कौन वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा अतुल भैया, हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्णा, थैंक यू, सेम टू यू। आई कैन रीड फर्स्ट टू श्लोक। हां आप पढ़ो प्लीज। थैंक यू। टेक्स्ट 1। अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, what is this material manifestation and what are the demigods, please explain this to me. Text 2. Who is the lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudan, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death. Hare Krishna. Hare Krishna. To pehle do question mein Arjun ne kai sare sawal puche hain, ab Krishna answer denge. To kaun padega third aur fourth shloka? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई कैन रीड। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। थैंक यू। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड द इनडिस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म द सेल्फ। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्म और फ्रूटिव एक्टिविटीज। टेक्स्ट 4. O best of the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called Adibhut, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adideva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied living being, am called Adiyagya, the Lord of Sacrifice. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कृष्णा ने जवाब दिया अर्जुन के सवालों का और पहले ये बताया कि भ्रमण क्या है। तो क्या है भ्रमण? क्या बोला कृष्णा ने, भ्रमण क्या है? अभी बोला ना थर्ड श्लोका में, डिस्ट्रक्टिबल एंड ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी। हाँ, तो लिविंग एंटिटी जो है वो हो गया भ्रमण। उसके बाद अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सेल्फ, इटर्नल नेचर, सेल्फ की जो इटर्नल नेचर है उसको अध्यात्म बताया गया। और कर्म क्या है? जिसकी वजह से हमार को, जो कर्म करते हैं, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से हमार को नए नए शरीर मिलते हैं, वो हो गया कर्म, ठीक है? तो ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म, ये तीनों चीजें कृष्णा ने तीसरे श्लोक में कही हैं। चौथे श्लोक में कृष्णा ने क्या बताया? आदिभूता। आदिभूता क्या है? क्या है आदिभूत? कॉन्स्टेंट फिजिकल नेचर जो चेंज होता रहता है। करेक्ट। तो ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो है वो आदिभूता हो गया, ठीक है? जो मटेरियल नेचर जो पूरी चेंज होती जा रही है, आदिभूत। फिर नेक्स्ट है आदिदैव। आदिदैव क्या है? जो भगवान का ये पूरा यूनिवर्सल फॉर्म बनाया हुआ, जिसमें देवी देवता ये सब हैं और सारे हेवनली चीजें हैं, सूर्य चंद्र ये सब आदिदैव हो गए। और आदि यज्ञ क्या है?
सुपर सोल इन हार्ट ऑफ एवरीथिंग. एग्जैक्टली, परमात्मा जो सबके हृदय में है. तो वो गया आदि यज्ञ. याद आ रहे वो जो अमोघ लीला प्रभु ने एक फ्लो चार्ट सा बनाया था, हमने डिस्कस किया था तब भी शुरू शुरू में, उसमें ये सब चीजें थी ना. किसी को याद आ रहा है? छोटा थोड़ा थोड़ा बचपन में किया था, 8th chapter के शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो एक वीडियो दिखाया था, फिर उसको एक और पारी दिखाया था अभी पिछले दिनों. कुछ कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? उसमें सारे चीज़ था है ना. मैंने कहा था बना लो आप या फोटो खींच लो. ओके, अब 5th और 6th कौन पढ़ेगा? भव्य आप पढ़ोगे 5th 6th? हाँ जी. प्लीज. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fall. Without fail. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस मानसिक स्थिति में है, कॉन्शियसनेस कैसी है हमारी जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं. ओके, कौन पढ़ेगा 7th और 8th? हाँ जी पढ़ो प्लीज. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Text 8. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prajit. Thank you for reading. Okay. So, 9th or 10th, kaun padega? Ansh padega 9th. Okay. One should immediately meditate upon the Supreme Personality, Supreme Person, as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond the material conception, who is invincible, inconceivable, who is always a person. He is luminous like the sun. He is transcendental beyond this material nature. Thank you so much for reading. Okay, तो 5th और 6th श्लोक में क्या बताया गया यहाँ पे कि मृत्यु के समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए और कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए. और सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, जो अभी भी हम अपना कार्य कर रहे हैं वो हमेशा हमारे को किस कॉन्शियसनेस में करना चाहिए, वो हमारे को भगवान को याद करने की स्थिति में करना चाहिए. कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट रिमेंबर कृष्णा. और जब भगवान में आपका पूरा मेडिटेशन होगा, फिक्स करोगे, तो फिर आप भगवान की प्राप्ति होगी. और उसके बाद बताया गया है जो इस पथ से डिविएट नहीं होते वो भगवान को अल्टीमेटली रीच करते हैं. और भगवान को कैसे मेडिटेट करना है, भगवान के बारे में क्या सोचना है, ये समझना है कि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सन है, ओल्डेस्ट,
कंट्रोलर, ये हमने कल डिस्कस किया था ना परसों कि वो ओल्डेस्ट हैं, कंट्रोलर हैं, भगवान का जो कंसेप्शन है वो ऐसे लॉजिक से हैं, हमारे प्रयास से समझ में नहीं आने वाला। जब भगवान हमसे खुश होते हैं तो वो रिवील करते हैं, लॉजिक से थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं लेकिन पूर्ण ज्ञान जो है वो भगवान की रिवेलेशन से मिलता है। भगवान रिवील करते हैं और भगवान उसी को रिवील करते हैं जो सही मायने में सही स्पिरिट से भगवान की तरफ बढ़ता। तो ये पहले 9 श्लोक हमने कर लिए, अब हम 10th श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काले मनाश चलेना, भक्त्या युक्त योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्, सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? चलाए प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु जी। One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Hare, Hare Krishna. Thank you for reading, Prabhuji. यहाँ पे बताया गया है कि मृत्यु के समय क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, भगवान के उपस्थित होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग तरीके योगी होते हैं, वो मेडिटेट करते हैं। आप लोगों को पता है शरीर में अलग अलग तरीके के चक्र होते हैं, जैसे अगर आप योगा या आयुर्वेद में स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि कई सारे चक्र हैं शरीर में। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो प्राण वायु है उसको ऊपर लेके आना है, और कैसे वो यहां पे बताया फिक्स हिज लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रोज, और योगा के माध्यम से बिल्कुल डिविएट ना होते हुए भगवान को रिमेम्बर करते हुए वो अगर छोड़ता है मृत्यु के वक्त तो वो भगवान की प्राप्ति होती है। तो अब हम इसके लिए ट्रांसलेट पर्पट पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। प्रभु जी आप कंटिन्यू करोगे पर्पट? यस प्रभु जी। हाँ पर्पट। In this verse, it is clearly stated that at the time of death, the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality of the Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows to the Ajna Chakra. The practice of Sat Chakra Yoga involving meditation on the 6 chakras is suggested here. A pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna consciousness, at death he can remember the Supreme Personality of Godhead by his grace. This is explained in verse 14. The particular use of yoga balena is significant in this verse because without practice of yoga, whether Sachakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga. Since one's mind at death is very disturbed,
one should practice transcendence through yoga during one's life. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for reading. So, yahan pe bahut clearly bataya gaya ki भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हुए रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड, अगर हम अपना शरीर छोड़ते हैं तब हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक क्लियर भी कर रहे हैं कि सत चक्र योगा क्रिया जो है उससे आप अपनी प्राणवायु को ऊपर नीचे कर सकते हैं, योगी करते हैं ऐसी चीजें। और कई लोग जो जिनको पता है, जो कई योगी ऐसे होते हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है, वो सही समय पे अपना अपना शरीर त्याग सकते हैं, अभी वो आगे भी आएगा। लेकिन भक्ति योगों को, योग में जो लगे हैं उनको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना फोकस रखते हैं मेन गोल पे, एम पे, तो उनको इन सब चीजों में ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए तो भगवान में माइंड उनका ऑटोमेटिकली जाता है और मृत्यु के वक्त वो चले जाते हैं। अब यहाँ प्योर डिवोटीज की बात हो रही, हम लोग जो हैं हम तो अभी तो कोशिश कर रहे हैं, शुरू शुरू की स्टेज है हमारी, तो हमारे लिए जो है परफेक्शन हासिल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना। तो जितनी हम कोशिश करेंगे भगवान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करके स्मरण करने की, भगवान की चैंटिंग करना, सेवा में लगना, एक रूटीन ऐसा फॉलो करें जैसे हमें ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण हो, उतना हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग सुबह से शाम तक ज्यादातर ऐसी चीजें ही करते हैं जिसमें भगवान का स्मरण होने की कोई गुंजाइश है नहीं एक्चुअली, और कम ही लोग हैं ऐसे जो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंस आता है पुराणों में जहां पे बताया गया है कि कितने ज्यादा लोगों को अगर कृपा मिल भी रही हो ना, वो कितने ज्यादा उलझे हुए हैं मटेरियल लाइफ में कि वो कृपा को आसानी से लेते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। तो इससे रिलेटेड एक ड्रामा है, आप लोग ड्रामा देखने जाओगे? कौन लोग आप में से ड्रामा देखना चाहेगा आज? We can see. क्योंकि देखो नया साल है, एक साल और हमारी जो लाइफ स्पैन है उसमें से एक और साल चला गया, तो कैसे हम अपना टाइम यूटिलाइज करने इम्पोर्टेंट है। तो अब हम एक ड्रामा देखते हैं, उससे थोड़ा इजी वे में एंटरटेन भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगी ये बात। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। हरे कृष्ण। सो समय बीता जा रहा है, आज एक और अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिमाइंड कराने की, हैप्पी न्यू ईयर। तो एक और साल हमारी लाइफ में अगर देखें तो बीत गया है, और एक और साल भगवान ने हमें दिया है अब, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो इस चीज को अच्छे से समझना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो चलो हम देख रहे थे कि कैलाश जो है वो कई साल जिया, उसके बच्चे भी हुए, नेक्स्ट जनरेशन भी हुई, लेकिन हर एक की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और आगे अपना फर्दर स्पेशलाइजेशन, कार्डियोलॉजी की स्पेशलाइजेशन करने के लिए उसने अप्लाई वगैरह करा था, और उसको मिल भी गया एडमिशन कि हाँ भाई वो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएगा अमेरिका के अंदर, तो काफी खुश था। और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, उन्हें जाके थोड़ा देखा, टेस्ट वगैरह करवाया, और पता लगा कि इस यंग एज में, रिलेटिवली यंग ही एज, उसको कैंसर है।
तो अब अभी शादी हुई थी उसकी, यंग एज है, और आगे स्पेशलाइजेशन और ये सब करने के लिए पूरी मेहनत चल रही थी, और अभी पता लगा कि कैंसर है। तो समय का कुछ पता नहीं है कि कब किस सिचुएशन में चला जाए। हाँ, एक बात है कि आज हमारे को भगवान ने एक दिन दिया है, उस दिन को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं वो हमारे ऊपर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाकी सारे अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फॉलो करने के साथ साथ भगवान को हम इस तरीके से प्लानिंग करें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में भगवान की सेवा हमारी चलती रहे। अगर हम रोज ये प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ये 8th चैप्टर में दिया है कि मृत्यु काले, कि मृत्यु के समय में अंत काल में भगवान का स्मरण होना वो पॉसिबल है। अगर हम अभी नहीं कर पा रहे स्मरण भगवान का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल राइट, तो हम आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ओके, तो हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे सब लोग साथ में, एक राउंड करेंगे। आज साल का पहला दिन है, सब लोग साथ में एक राउंड चैंट करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।